अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इंजीनियर महफूज आलम आज फिर से खारीपुल वाले मामले को लेके पूर्णिया कमिश्नर ऑफिस में आया हुआ था। कमिश्नर साहब से मुलाकात रही और मैंने उनको बताया कि हम लोगों ने बिहार गवर्नमेंट को जो एप्लीकेशन दिया था तो वहाँ से बिहार गवर्नमेंट के तरफ से जो अधीक्षण अभियंता हैं ग्रामीण कार्य विभाग के, उन्होंने कहा था कि पुल की लंबाई जो है हम लोग दोनों तरफ बढ़ाएंगे और 586 मीटर पुल को लंबा करेंगे और फिर इसका DPR बना के उन्होंने अभियंता 2 को भेजा था। लेकिन हमारा डिमांड है कि नदी पुल को बढ़ाया ना जाए बल्कि नदी को सीधा चीर के उस पुल के नीचे नदी को लाया जाए जो अभी एग्जिस्टिंग पुल है, और दोनों तरफ बांध बनाया जाए और बांध के ऊपर रोड बनाया जाए ताकि लोगों का आवागमन चालू हो। इसके लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी एप्लीकेशन दिया था और वहाँ से जो है एक टीम भी आई थी, उनकी पूरी कॉपी उन्होंने हमें भेजी कि टीम ने निरीक्षण किया और उन्होंने भी 2 ऑप्शन सुझाया कि एक ऑप्शन में चाहे तो पुल को लंबा किया जाए और दूसरा ऑप्शन में नदी को चीर कर सीधा किया जाए ताकि नदी और इधर उधर ना भागे, जो एग्जिस्टिंग पुल है उसके नीचे से नदी बहे। तो दोनों की कॉपी मैंने कमिश्नर साहब को सौंपा है और उन दोनों कॉपी में वो लोग जो है आगे निरीक्षण करेंगे, उनमें जो है एनालिसिस करेंगे कि आगे क्या करना है। इस क्रम में आज यहाँ पे कार्यपालक अभियंता बैसी को भी हाजिर होना था लेकिन वो हाजिर नहीं हुए आज यहाँ पे ऑफिस में, और कमिश्नर साहब ने उनकी वेतन आज के मतलब के फ़िलहाल के लिए रोक दी है। जब तक इस काम को वो आके संबोधित नहीं करेंगे तब तक उनका वेतन रुका हुआ रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल कमिश्नर साहब से देखा गया कि जो भी ऑफिसर रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स जिनको भी जो काम असाइन किया गया है वो काम अगर वो नहीं करे तो उनका वेतन वो रोक रहे हैं। और आज के लिए बायसी के अधीक्षण कार्यपालक अभियंता का वेतन रुका गया है जब तक ये इस काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमें उम्मीद है गवर्नमेंट से, ऑफिसर मशीनरी से, कि हमारा इस काम को खारी पुल को सही करेंगे, वहाँ पे आवागमन ये लोग सुचारू रूप से चालू करेंगे, जो नदी है उनको सीधा करेंगे।